Hi friends and welcome to another episode of Deep Dialogue with Akashdeep. मैंने CAB जो अब CAA बन गया है, Citizens Amendment Act हो चुका है, क्योंकि बिल दोनों हाउसेस में पास हो चुका है, उसके बारे में एक डिटेल्ड डायलॉग किया था। उसके बाद दोबारा उस पर बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में पिछले हफ्ते 10 दिन में मैंने देखा कि कई जगह एजिटेशंस हुए, मूवमेंट हुई, कंट्री के प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। कई चीफ मिनिस्टर्स ने ओपनली डिक्लेयर किया कि वो नहीं होने देंगे और आखिर में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने भी प्रोटेस्टर्स का साथ दिया। जामिया, JNU और कुछ यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट एजिटेशन भी हुआ। कई जगह पुलिस को आकर एक्शन लेना पड़ा एंड दैट डिड नॉट गो डाउन वेल विद अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज। लखनऊ और यूपी के कुछ इलाकों में प्रोटेस्ट फ्लेयर अप हुए। वहां के CM योगी आदित्यनाथ ने स्टर्न वार्निंग दी है, लोगों को बुक किया है और एक अच्छी बात कही कि मैं इन लोगों से अभी जो स्टेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ वो वसूल करवाऊंगा। कि तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे, मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज को स्वयं समीक्षा कर रहा हूं, मैं स्वयं देख रहा हूं और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे। नाउ द पॉइंट ऑफ दिस डायलॉग इज दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई सपोर्ट द बिल, क्योंकि मैंने देखा है कि अब तक बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल को समझ नहीं पाए और जो लोग ये कह रहे हैं कि डर है उन्हें कि ये मिसयूज होगा, वो एक अपनी इमेजिनेशन के ऊपर प्ले कर रहे हैं। क्योंकि आम प्रोटेस्टर्स से जब पूछा जाता है आप क्यों एजिटेट कर रहे हो तो कहते हैं एक नया बिल आया जिससे हम मुसलमानों को इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। अरे कौन निकाल रहा है यार, ना तो किसी को लिया जा रहा है ना किसी को निकाला जा रहा है। भाई यही है क्या, मुसलमानों को के बाहर निकाला जाएगा ये होगा, भाई यही डर है। और जो कई सालों से इलीगली आए हैं या लॉन्ग टर्म वीजा पर आए हैं उन्हें 5 साल 2014 के कट ऑफ से पहले अगर वो आ चुके हैं तो ये 6 कम्युनिटीज के लोगों को सिटीजनशिप मिल रही है ताकि वो हमारे रिकॉर्ड्स में आए, टू एंश्योर दैट एवरीथिंग इज ओके एंड द कंट्री इज सेफ इज एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग एल्स इन टुडेज वर्ल्ड। वी नो व्हाट इज हैपनिंग। आजादी के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो भी जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और हिंदू धर्म के अनुसरण करने वाले वो 3 देशों के माइनॉरिटी के लोग जो यहाँ आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग अलग प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के हितों की चिंता भी की है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। मान्यवर, लोकसभा में चर्चा चली, कुछ अखबारों के मैंने आर्टिकल भी पढ़े हैं, एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही कि बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है, वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। नाउ आपने रोहिंग्याज और बलूचीज और वगैरह वगैरह को नहीं इंक्लूड किया, दे आर सेक्ट्स ऑफ द लार्जर कम्युनिटी एंड द लार्जर कम्युनिटी इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर नॉट द माइनॉरिटी। तो किसी कंट्री की मेजॉरिटी कि लोग अगर इंडिया में आके बल्क में असाइलम मांगेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। भारत म्हणजे काही धर्मशाळा नाहीये,
की बाकीच्या सगळ्या देशांमधल्या लोकांना इकडे सामावून घेण्यासाठी म्हणून. इम्रान खान ने खुद कहा कि हम इंडियन शरणार्थियों को नहीं देंगे सिटीजनशिप अगर वो पाकिस्तान आएंगे. आई थिंक वर्ल्ड की किसी कंट्री में भी मैं 50,000 लाख इंडियंस भेज दूं तो कौन देगा उनको सिटीजनशिप? कोई भी देश में आप बताओ ना, भी मैं भी सूची दे देता हूं इतने लोगों को, बसा दो, जाओ आप. बसा पाओगे क्या? नहीं बसा पाएंगे भाई. और मैं मानता हूं कि इस देश के सिटीजन्स का रसीद रजिस्टर बनाने का समय आ गया है. रशिया के पुतिन ने क्लियरली कहा है कि रशिया इज रशिया, लीगल इमिग्रेंट्स आर वेलकम, बट इफ दे कम हियर दे हैव टू ऑब्जर्व द लॉ ऑफ द लैंड, अदरवाइज गो. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दिस इज अमेरिका, फॉलो आवर रूल्स, लाइक इट लंप इट, अदरवाइज लीव. लीव. No country changes its own administration and its rules for immigrants. पर हमारे खुद के citizens हमारी government से इस बात पर लड़ रहे हैं कि discriminate क्यों किया है. भाई Citizens Amendment Act is just an amendment to an earlier rule. Foreigners Act, Deportation, Naturalization Acts, these are separate. Under those acts, anybody, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, from any part of the world can come. Bhai, I'm persecuted or asylum seeking ka koi reason bataye aur papers process kiye jayenge. Maine bataya tha Adnan Sami is an example. To aisa nahi hai ki Muslims are not allowed. Case to case pe aapki problem hai to people will take a note of it, the administration concerned, and will decide whether you should be given asylum followed by citizenship. लेकिन इंडियन रूट्स के हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, कैथलिक, जो इंडियन कनेक्टेड लोग हैं और जो इन तीन कंट्रीज में माइनॉरिटीज हैं, इफ दे फील परसिक्यूटेड, अगर उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया जा रहा है, अगर ये सुनने में आता है कि जैसे उनके यहां बेटी पैदा होती है उठा के ले जाते हैं, एक्स वाई जेड, इस तरह की अगर ऑपरेशन है और ये लोग अगर असाइलम सीक करते हैं, कितने सारे सरदार हैं जो अफगानिस्तान से आए हैं, आज 10-10 साल हो गए उनके पेपर्स प्रोसेस नहीं हुए, ये सारे लोगों को अगर इंडिया शरणार्थियों को अगर नहीं देगी, नहीं वेलकम करेगी, तो ये लोग कहां जाएंगे? बस अभी तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब 25 साल से बैठे हुए थे, नागरिकता ना होने की वजह से बहुत बहुत परेशानी हो रही थी, बच्चे छोटे छोटे थे, बड़े हो गए हैं, 10-12 सर्टिफिकेट, इंजीनियर की डिग्रियां तक हाथ में है, पर नौकरियां नहीं मिल रही थी. जहां जाने ऑप्शन मिलता था कि तुम्हारे पास पासपोर्ट है, कंपनियों के जो कंपनियां जॉब देती है, अच्छी कंपनी जॉब देती है, तो पूरी उसको आइडिया चाहिए. आईडी नहीं थी हम लोगों के पास. अब उम्मीद है कि जो एक मोदी साहब जी ने जो बिल पास कर देता है, उम्मीद है कि तो सारी आइडिया सब कुछ मिल जाएगी हमें, जो अपने बच्चे हैं कब से हमारी, तो चलो कोई नहीं, जिंदगी आगे निकल गई है, बच्चों के कम से कम कल का भविष्य बन जाएगा इस देश का, जो इस देश में आगे जाके कुछ ना कुछ इस देश के लिए कुछ करें, बच्चे भी कम से कम कल को इस देश के लिए तो कुछ करें. हमें वोट देने की बड़ी चाहत होती है, जो अभी हमारे आईडी वोट दे नहीं थी, आगे से हम मुझे नागरिकता हमें मिल गई तो आगे से हम वोट दे सकते हैं, अपना अच्छा बुरा सरकार ढूंढ सकते हैं अपनी अपनी मर्जी से. ये बस अब धन्यवाद करते हैं इस देश का भी और इस मोदी सरकार का भी. कहां जाएंगे ये लोग? कौन सी कंट्रीज इनको लेंगे? जैसे सीएए की बात होती है, ये लोग एनआरसी बीच में लाते. अभी एनआरसी तो अनाउंस नहीं हुई. असम हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम 1985 में, 71 का कट ऑफ डेट देके उनको सिटीजनशिप मिली है. उस बात पे भी लोकल्स आर वेरी अपसेट, क्योंकि क्या हो गया है कि असम में जो लोकल्स थे, इतनी भरी तादाद में बांग्लादेश से लोग आए कि वो खुद जिस एरिया में बाप दादा रहते थे, आज वो लोग वहां के माइनॉरिटी बन गए. यू नो, बांग्लादेश से टू क्रॉस ओवर टू इंडिया इज वेरी इजी, इट्स फ्लैट लैंड. वी हैव पोरस बॉर्डर्स. इतनी तादाद में लोग आ गए तो आसाम की जो एजिटेशन है वो जायज है, एंड दैट हैज टू बी लुक्ड आउट, लुक्ड अपॉन सेपरेटली. एंड ऑलरेडी देयर वाज अ प्रोविजन फॉर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल. अब ये जो एनआरसी आएगा, जब भी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, दीज आर प्रोग्रेसिव मूव्स. It is very bad that आम पब्लिक एक
इसे भगवा रंग आरएसएस एजेंडा कहती है। यू नो हैविंग अ रजिस्टर ऑफ हु इज इंडियन एंड हु इज नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज ट्रबल टाइम्स। इंडिया हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ टेरर अटैक्स। वी आर लूजिंग आवर जवान्स, वी आर लूजिंग सिविलियंस। नाउ हैविंग अ रजिस्टर सो दैट people who are not legal can be tracked, monitored, is important. This is the only way forward. ये कोई आजादी की जंग नहीं है जो हम इतने इतने गांधीयन फिलोसफी को लेके नहीं 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 हम तो सबको why are Indians so keen that majority Muslims from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh should also be allowed to come to India? Nobody is against Muslims as Muslims. And Indian Muslims, भाई वो तो हमारे भाई है। हर एक हिंदू के 10 मुस्लिम दोस्त है, हर एक मुसलमान के 10 हिंदू दोस्त है। And Indian Muslim is as much Indian as an Indian Hindu, as an Indian Sikh, as an Indian Catholic, as an Indian Parsi, as an Indian Buddhist, as an Indian Jain. There is no problem with that. We are one and we will always be one. But Bollywood ke actors bhi is baat mein ghus gaye hain. Jab Farhan Akhtar se baat ki gayi ki zara batao to sahi ki aap kis mudde pe lad rahe hain. Opposition is to raise your voice against something is absolute democratic right. Yeah, people are raising their voices and I subscribe to the view that there seems to be a certain amount of discrimination in what has been planned and what is happening. And as a citizen of this country and as somebody who has been born and is grown up with a certain idea of what India is, it is important for me to raise my voice. Indian roots ke in teen countries ke minorities jo already aa chuke hain उन्हें 2014 का कट ऑफ डेट देकर अगर citizenship दी जा रही है, अगर उनको हमारे citizens बनाए जा रहे हैं, आपको इस बात से क्या एतराज है? CAA, the bill, the act now, has no deportation facility in the bill. That's a separate procedure in India. कोई Indian Muslim deport नहीं किया जाने वाला, ये fear अपने दिल से निकाल लीजिए. हाँ, ये हो सकता है कि समझने में या हमारे गवर्नमेंट को समझाने में कहीं कुछ शॉर्ट रह गया. नेशनल मीडिया पर और ज्यादा यह बात एक्सप्लेन की जानी चाहिए थी, क्योंकि आपने एक सर्टेन मेजॉरिटी रिलीजन ऑफ दीज थ्री कंट्रीज के लोगों को एक्सक्लूड किया है, तो वो कहीं मिसइंटरप्रेट ना हो, क्योंकि मुस्लिम्स इंडिया में भी रहते हैं, तो वो लोग जब तक इसको क्लियरली समझेंगे नहीं इमोशनली अपसेट होंगे, जायज बात है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस एक्ट में, और यह बात शायद ज्यादा नेशनल लेवल पर समझाने की जरूरत थी कि नागरिकता कानून और खास तौर पर एनआरसी को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही, और इन अफवाहों से मुस्लिम समुदाय के अंदर डर भरा जा रहा है कि उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा. तो यह केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की अफवाहें फैलने से रोकें. जो अफवाहें मुस्लिम समुदाय के मन में डर की तरह भरी जा रही हैं और जिन अफवाहों को हिंसा फैलाने का हथियार बनाया जा रहा, अगर केंद्र और राज्य की सरकारें आए दिन आधे आधे एक एक पन्ने के विज्ञापन अपने प्रचार पर खर्च कर सकती हैं, तो इस तरह की अफवाहों को दूर करने पर भी उन्हें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि यह देश के अमन चैन का सवाल है. अब हो रही है और अब हम देख रहे हैं कि सपोर्ट में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट बंद होकर अब सपोर्ट में बहुत सारे ग्रुप्स बाहर निकल रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री. See, we are one of the very few countries that doesn't have a national register. What is wrong in having a register? Ki this is the list of people who are legally recognized Indians.
नहीं अगर मेरे बाप दादाओं के बाद का मेरे पास पेपर नहीं है तो, भाई साहब अभी आधार कार्ड कुछ साल पहले जब आया हम सब गए, बहुत बहुत करोड़ों की तादाद में लोगों के आधार कार्ड बन गए, किसी को भी अपनी रिलीजन की वजह से रजिस्टर होने में दिक्कत हुई नहीं हुई। एनआरसी में भी नहीं होगी, और एनआरसी में दो इंडेक्स है, इंडेक्स वन में ये प्रूफ्स आप लाइए और आप रजिस्टर हो जाइए, बहुत इजी है, ना हो तो ये भी प्रोविजंस है कि आपका पड़ोसी बोल दे हाँ जी ये इतने सालों से रहते हैं, इनके बाप दादा यहां रहते हैं, तो भी एक्सेप्ट किया जाएगा, और वो तब जब एनआरसी इंप्लीमेंट होगा, अभी फिलहाल कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी डिबेट्स हो रहे हैं, अभी आया नहीं है, इट विल बी द नेक्स्ट थिंग, एंड व्हाई नॉट, इफ वी आर वन कंट्री देयर शुड बी वन सिविल कोड एप्लीकेबल टू ऑल। कैसे चलेगा ये देश अगर हिंदू बोलेगा मुझे ये रूल चाहिए, मुस्लिम बोलेगा मुझे शरिया लॉ चाहिए, सिख बोलेगा मुझे कुछ और चाहिए, या बौद्ध बोलेगा मुझे कुछ और चाहिए, या कैथलिक बोलेगा मुझे कुछ और चाहिए, इससे केओस बढ़ेगा ना, आपकी पर्सनल लाइफ तो कहीं क्रैप नहीं होती, आप शौक से एक इंडियन रहकर जिए, आराम से जिए, काम कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए, लेकिन एनीथिंग दैट इज नॉट एप्लीकेबल कॉमनली टू एवरीवन will be an issue, will have repercussions, and this government is trying to bring all that under one common umbrella. हमें खामखा agitate नहीं करना चाहिए। अभी मैं एक post देख रहा था जहाँ कमल हसन जी ने, इतने politician भी हैं अब, वो एक activist है, वो इतने super actor हैं, great legend हैं, उन्होंने कहा है कि student की आवाज को muzzle करना is killing democracy. राइट सर, एक्सेप्टेड, स्टूडेंट्स आर आर जेन नेक्स्ट, एंड आई से दैट वी मस्ट ऑल बी अलाउड टू प्रोटेस्ट, दैट्स आर फंडामेंटल राइट अंडर अ डेमोक्रेसी। और कोई नहीं कह रहा कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने चाहिए, लेकिन जब वही स्टूडेंट्स पत्थरबाजी करें, मासूम पुलिस वालों को मारे, तो फिर अगर पुलिस अंदर घुसती है, फिर चाहे वो अपने हॉस्टल के रूम में हो, कैंटीन में हो, लाइब्रेरी में हो, या फेक हॉस्पिटल्स में इंजरी फेक करके घुस गए हो, अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे आपने बसें जलाई, ट्रेन जलाई, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की, यू आर नो मोर अ पीसफुल प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट, यू आर अ क्रिमिनल, एंड यू डोंट आस्क अ क्रिमिनल मैं कब आऊं आपको पकड़ने, मैं कब आऊं आपको रोकने, मैं कब आऊं आपको अरेस्ट करने, देन लॉ हैज टू टेक इट्स टर्न, एंड वी बैक आवर पुलिस फोर्स फॉर दैट। Do not allow celebrities, do not raise your voice to protect students who have turned violent. Nobody complains against a peaceful agitation. Do it. Peaceful agitations happened in Bombay and in various other parts. Nobody objected. But aap police par patharbazi karoge, train jalaoge, station jalaoge, busse jalaoge, private parked vehicles jalaoge, then you are not a peaceful protector, you are a criminal, and you have to be dealt differently. Congress is openly opposing it. Haal hi mein main dekh raha tha, Sonia Gandhi ji ne bhi kahi kaha hai, aapki azadi aapse chhini ja rahi hai, aapke sath discriminate kiya jayega, aapko deport kiya jayega, ya whatever she said. The Citizenship Amendment Act is discriminatory. And the proposed nationwide NRC will particularly hurt the poor and vulnerable. Like at the time of Notbandi, they will have to stand in line to prove their and their ancestors' citizenship. People's apprehensions are real and legitimate. ये वही नेहरू जी हैं जिन्होंने कहा था कि हमें ये करना चाहिए। समय के प्रधानमंत्री, वो चाहते थे कि दोनों देशों में माइनॉरिटी प्रोटेक्ट की जाए, उनकी इच्छा थी कि दोनों माइनॉरिटीज दोनों से दोनों कंट्रीज में प्रोटेक्ट हो,
उस समय बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था, लेकिन प्रोटेक्ट हो इस बात की उनकी मन में इच्छा थी। नेहरू जी ने तो यह भी कहा था कि 370 बहुत जल्दी हमको निकालना चाहिए, टेम्पररी है। जब निकला तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा आवाज की। राजीव गांधी ने भी कहा कि हमारे लिए ये एनआरसी बहुत जरूरी है और उन्होंने आसाम में इंप्लीमेंट किया और सदियों से चला और एजिटेशन खत्म किया। मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि वी हैव टू सॉल्व दिस इमिग्रेंट इश्यू, इलीगली इतने लोग घुसे आ रहे हैं। While I am on this subject, madam, I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honorable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act. Aapki Mamata Banerjee, मुझे समझ में नहीं आती उनकी लॉजिक। कई बार वो जब राज्यसभा की मेंबर थी, जब वो इतनी बड़ी पॉलिटिशियन और सीएम नहीं थी, वो ऑलमोस्ट रो रही थी राज्यसभा में कह के कि बंगाल इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड विद इमिग्रेंट्स, डू समथिंग अबाउट इट। और अब जब वो सीएम हुई है, अब वो उन्हीं को प्रोटेक्ट कर रही है। सो वी ऑल अंडरस्टैंड वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड एज एजुकेटेड यंगस्टर्स वी शुड नॉट allow people who are trying to stop a certain discipline and a certain law and order to be brought into this country from happening. We should not support people to stop this from happening. CAA में कोई नए आदमी को तो रिक्रूट किया ही नहीं जा रहा भाई। ये तो बस वो एक अमेंडमेंट है जो इतने साल से लॉन्ग टर्म वीजा पे या इलीगली रह रहे हैं, और अगर वो प्रूव कर सके कि वो 2014 कट ऑफ से 5 साल पहले तक यहां है, तो उनको पेपर्स मिल जाए, उनको सिटीजनशिप मिल जाए। और उन कम्युनिटीज को जो इन तीन कंट्रीज के माइनॉरिटी ऑप्रेस्ड लोग हैं, सिर्फ ऐसे ट्रे में नहीं दिया जा रहा, उनको भी आके अपने 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 स्टैंड लेने पड़ेंगे, अपने बताना पड़ेगा और तब उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। इमिग्रेंट्स के डिस्गाइज में घुसपैठी भी आते हैं, ट्रबल मेकर्स भी आते हैं। एक रोहिंग्या जो म्यांमार से निकाला जा रहा है, एंड द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वही रोहिंग्या ने म्यांमार में हिंदू कम्युनिटी को ऑप्रेस किया, लार्ज मास स्केल किलिंग्स की। देयर आर रिपोर्ट्स, देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ दिस। म्यांमार के लिए फ्यू किलोमीटर्स अवे इज बांग्लादेश, बट दे विल प्रेफर 1500 किलोमीटर्स अवे, दे वांट टू कम टू इंडिया। यार हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जो इश्यू बेस्ड लोग हैं, उनको इंडिया किस बात के लिए सिटीजनशिप देगी? उनको तो एक्सक्लूड किया जाएगा ना, जैसे एक्सक्लूड किया जाता है पॉलिटिशियंस रिलीजन कार्ड खेलते और कहते हैं क्यों कर रहे हो। इंडिया इज नॉट अ डंपिंग ग्राउंड। शो मी एनी कंट्री दैट विल टेक 50,000 और 1 लाख इंडियंस अंडर एनी गाइज ऑफ असाइलम और एनी एक्सक्यूज। कोई नहीं करेगा भाई। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा इंडिया को कि रिकंसिडर द बिल। क्यों भाई? डोनाल्ड ट्रंप किस लिए वॉल बना रहे हैं? रोक रहे हैं ना इमिग्रेंट्स को। वी नीड टू बिल्ड अ वॉल। तब तो आपने यूएस को नहीं कहा कि ये गलत है, आने दो। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए एक्ट करती है एंड दैट इज राइट। दोस्तों, वेदर इट वॉज 370, वेदर इट वॉज ट्रिपल तलाक, वेदर इट वॉज अलाउइंग वुमेन इन टू हिंदू टेम्पल्स, वेदर इट इज CAA,
At last, we have a government that has the resolve, the guts to do things that a few people may not like, but they are not playing vote bank politics. They are doing it. If triple talaq gave equality to our Muslim sisters, our Hindu sisters who were not allowed in certain Hindu temples, Supreme Court ne wo bhi rad kiya. It is not as if one religion is being targeted. Drop this fear. After a long time, we have a prime minister and a home minister who mean business. This may not be going down well with a few people. Accept it. Guys, you have a right to have your point of view. State it. But don't color every progressive step that this government is making or taking into color and religion, because that disturbs people. We have issues with our neighbors. I mean, look at the sensible reaction from the Bangladesh Prime Minister. She said, अगर इतने सारे बांग्लादेशी इंडिया में घुस गए हैं आप फिल्टर आउट कीजिए आई एम रेडी टू टेक देम बैक नाउ दैट्स अ मैच्योर्ड वे ऑफ लुकिंग एट इट बट आवर ओन इंडियंस आर बर्निंग आवर ओन टैक्स पेड मनी का ट्रेन बसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज दैट राइट Where is the fabric of India gone? And India known for Gandhi and peaceful agitation? I don't mind every Indian coming on the streets and fighting peacefully. But university students? Come on guys, we all know what is happening in these funded universities. डिस्काउंटेड रेट्स में आपको 100 रुपए में मेन दिल्ली के अंदर रूम मिल रहा है आप 30-30, 40-40, 50-50 साल की उम्र में पढ़ने के बहाने वहीं रह रहे हो सब्सिडाइज फूड सब्सिडाइज स्टे सब्सिडाइज इंटरनेट सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी इट्स टैक्स पेयर मनी एंड देन यू स्टार्ट एजिटेटिंग एंड देन वी हियर स्लोगन्स ऑफ भारत तेरे टुकड़े होंगे और फिर अगर एक्शन लिया जाता है आप कहते हो कि स्टूडेंट्स की वॉइस को मजल की जा रही है As an Indian, I do not want to hear a slogan from an Indian university saying, Bharat tere tukde honge. You are an anti-national if you talk like that. And nobody should support you. So friends, don't worry about CAA and NRC. Koi bhi Indian, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, NRC ke waqt agar aapko registration mein dikkat aayegi na, तो तरह तरह के लोग हेल्पलाइन लेके खड़े होंगे आपके लिए आपको नहीं डिपोर्ट किया जाएगा यह कोई हिटलर की इरा नहीं है जहां कोई कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला जाएगा हमको आई एम रीडिंग अबाउट सम पीपल पोस्टिंग सच स्टफ ऑन द नेट ऐसे नहीं होगा अगर आपको लग रहा है ऐसा होगा तो सेव योर एजिटेशन फॉर दैट टाइम उस वक्त आ जाओ स्ट्रीट्स पर वो नहीं होगा पागल है गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि ऐसा करे दोबारा इलेक्शन तो जीत ही नहीं पाएगी सो डोंट वरी डेमोक्रेसी की यही ब्यूटी है चेक्स एंड बैलेंसेस आर इन प्लेस अगर कोई गवर्नमेंट पागलपंती पे घुस जाएगी ना या तो लोग सड़क पे आ जाएंगे या अगले इलेक्शन में उनका पट्टा गुल हो जाएगा सो डोंट वरी हैव नो फियर्स दिस इज द टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टे यूनाइटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन रोजमर्रा की लाइफ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में घूमते हैं मिलते हैं पार्टियों में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स में दिखाई जाते हैं ट्रेनों में बसों में सारी कम्युनिटी के लोग चलते फिरते हैं जैसे कुछ ऐसी चीज आती है तो सडनली हमारे अंदर हमारे रिलीजन की वजह से सेग्रीगेशन क्यों होता है यार तब हमारी इंडियननेस कहां चली जाती है वी शुड हैव ओनली वन रिलीजन आउटसाइड आवर हाउसेस एंड दैट इज इंडियन दैट्स इट प्राइवेट लाइफ में अपने घर के चार दीवारी के अंदर मैं कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करूं हर एक को उसकी रिलीजन सर आंखों पर
But that's for your personal peace. That's for your personal connect to your God. But for everyday existence, for this country to run beautifully, we need to have just one religion, Indian. I am a proud Indian, and I hope and I'm sure all of you are also. So, hamare tax paid money ke buses, trains, stations, cars, vagaira vagaira mat jalaiye, mat todiye. You're actually burning your own money. ऐसी कोई आग नहीं लगी है इस देश में. Don't allow vested interests to motivate you in the wrong direction. Stay focused. We are part of a great country, a country the world is beginning to look up to. And soon we will not only lead but show the world a way. I love India. Until next time, keep watching Deep Dialogue with Akashdeep.